नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। बीएसईबी ने एसटेट का परीक्षा परिणाम जो कल जारी किया था उसको आज बदल दिया है। बदल क्या दिया, उसको रिवाइज कर दिया गया है। कई छात्र ऐसे थे जो कल पास थे, आज वो फेल हो गए हैं, उनका रिजल्ट आज फेल दिखा रहा है। तो बिना किसी नोटिस के ये परिणाम क्यों बदला गया है, क्या कारण है, उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सारी अपडेट समय पर मिलती रहे। दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जान लीजिए सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ऐप के माध्यम से मैं जो है एसटेट परीक्षा की तैयारी करवाया था संगीत विषय का, और यहाँ से 100+ स्टूडेंट का पेपर क्लियर हुआ, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको नाम और फोटो सबके दिखाए थे। अभी बहुत सारे लोगों का बैनर बना नहीं है क्योंकि उनके इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो और भी लोगों के आगे आने वाले वीडियो में दिखाई देंगे। ये बीपीएससी का फुल कोर्स है, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी का जो नई वैकेंसी आ रही जिसमें 15 अक्टूबर से आपको जो है इसमें अप्लाई करना है 2023 से, और इसके बाद 3 से 5 दिसंबर तक इसकी परीक्षा डेट है, उसकी तैयारी हमने शुरू करा दी है। 10 क्लास हो चुकी है क्योंकि हमें मालूम है समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए तैयारी पहले से शुरू करा दी है। तो जिन छात्रों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ज्वाइन करने के लिए ये दो नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, ये भी यहाँ से भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बाकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी इस नंबर से ले सकते हैं। ये दोनों ऑफिशियल नंबर है और यहाँ पे आप ऑफिशियल टाइम में फ़ोन कर सकते हैं। ये पर्सनल नंबर है, इस पर केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं और अनऑफिशियल टाइम में यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों विज्ञापन में ही लिखा हुआ था कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग को पास करने के लिए जो है 45.5% नंबर लाने हैं, 150 का 45.5% नंबर लेके आना था। कल जब रिजल्ट जारी हुआ तो जो इससे कम नंबर भी लाए थे उनको भी कुछ लोगों को पास दिखाया गया, लेकिन आज इस रिजल्ट को बदल दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट है कि बिहार एसटेट 2023 का रिजल्ट रिवाइज किया गया है। जो बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी जिसे 68.25 से कम अंक लाने पर भी क्वालीफाई किया गया था उसे नॉन क्वालिफाइड कर दिया गया है, यानी कि 68.25% नंबर आपको लाना था, 68.25 नंबर अगर आपका नहीं था और कल आप पास दिखाई दे रहा था जिसे 67 अंक पे कोई पास दिखाई दे रहा है तो उसको आज फेल कर दिया गया है, नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा है। आप सब ओबीसी कैटेगरी के अगर हैं तो अपना रिजल्ट एक बार ज़रूर चेक करें। रिजल्ट कहाँ चेक करना है, इस वेबसाइट पे रिजल्ट चेक करना है। अगर आपके नंबर कम थे तब चेक करिएगा, 70 के ऊपर या 69 या उसके ऊपर हैं तो चेक करने कोई ज़रूरत नहीं है। ये कल का रिजल्ट है एक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट का, 67 नंबर पे क्वालिफाइड यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है। आज का रिजल्ट है यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो चेंज हो गया है। एक रात में रिजल्ट भी चेंज हो जाता है और खुशियाँ भी छात्रों की मतलब चली जाती हैं। ऐसा बोर्ड को नहीं करना चाहिए था, बोर्ड को इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही रिजल्ट जारी करना चाहिए था। अब 7,313 जो अभ्यर्थी पास हुए थे म्यूजिक में और बाकी अन्य विषयों में भी इसी तरह से पास होने वालों की संख्या कम हो जाएगी। जो रिजल्ट था 79.9% वो कम से कम 1% कम हो जाएगा, यानी कि 78.9% तक ये रिजल्ट हो सकता है, कम से कम 1% कम होने की संभावना है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।